है ना, अटेंडेंस तो तुम्हें भेजोगे ना, तभी तो सैलरी हम लोग भेजेंगे सैलरी, तब तुम यहाँ नहीं, तो नहीं, देख। तो अरेंज कर दीजिए ना। मैंने करा सर अपने टाइम, मैं तो दो बार ऑलरेडी करा, क्यों अब है, इनकी ओर से कुछ आना चाहिए ना कि नहीं आ रहा है या काम प्रभावित हो रहा है, कुछ लिख के तो दो उसके खिलाफ। अब काम तुम्हारा अटकता है तो तुम ही तो मुझे लिखोगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा से रिक्वायरमेंट नहीं आपको थोड़ा काम से रिलैक्सेशन तो वहाँ उसको पे मिल। काम निकल घाटा काम ज़्यादा है होता सर, यहाँ कम होता तो उसको भी वो कर हैंडल कर ले रहा था, तो सर मुझे तो लेकिन फिर आपको कहीं पता होना चाहिए ना, अकाउंट्स का भी आप MOIC हैं, फाइनेंशियल पोजिशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नीचे वाले कुछ भी बता देंगे, आप थोड़ी ऐसे एक्सेप्ट करोगे। जी सर ये दो तीन अकाउंट्स हैं तो टिप्स क्या होने चाहिए, है ही कितना पैसा, टेंटेटिव अमाउंट तो पता ही होनी चाहिए ना आपको। तुम तो रखते हो अपने पास, कैसे कैसे मिस कर रहे हो? नहीं मैम, वो अभी वो उनकी होना ऑडिट वगैरह होने वाला सारा सब सब वो सब ले गया, कैश बुक वगैरह बना लिया। कल तुमको बताया था मैंने, तो तुमने अपना नहीं रखना चाहिए, मैं तुम्हें मैम बताया था कल सर, फिर तुम क्यों कह रहे हो तुम्हें रखना चाहिए था? उसको बुलाइए, जो भी आपको बुला लगता लो बुला लो। है, सारे कैश बुक दिखाएगा मुझे, CTS का बैलेंस दिखाएगा, ठीक है, और ये स्टेट अनुदान का दिखाएगा, जो सीधे नहीं आएंगे स्टेट से, आपकी स्वीकृति पत्र आता है जो स्टेट से जी, वो दिखाएगा, नोट करो उसको आप। हाँ सर मैं स्टेट वालों सर अभी हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, नेट से निकल जाता है सर, अब अभी टाइम नहीं है हमारे पास। बाकी सर वही मैं वही देख ये देखो, फरवरी 20